अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया उस पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इट इज चाइल्डिश, कि ये बाल बुद्धि और ये हिंदुओं पर जो है टिप्पणी की गई। मुझे उनके और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो राहुल गांधी जी के भाषण पे इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, एतराज है। पूरे देश ने उनका भाषण सुना और प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद ये उनका पहला भाषण था। पूरे देश में लोगों ने उनके भाषण को पसंद किया और उन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़े आत्मविश्वास से अपनी बात जो है देश की जनता के सम्मुख रखी। मुझे समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी को कहां कमियां नजर आई। उन्होंने जो भी टिप्पणी की, कोई भी टिप्पणी उनकी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने हिंदू धर्म का उदाहरण दिया, उन्होंने इस्लाम धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का। उन्होंने एक बात कही कि किसी भी धर्म में हिंसा को जगह नहीं, अहिंसा परमो धर्म। और कोई भी धर्म जो है अहिंसा को प्रेरित नहीं करता है, सभी धर्म जो है आपसी भाईचारे, आपसी सद्भाव की बात करते हैं। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, हमारा सनातन धर्म है, बहुत महान। हम तो वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है। और अगर पूरा विश्व एक परिवार है तो कहीं भी आपसी द्वेष भावना की बात नहीं आती। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की टिप्पणी को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, कोई भी हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं। हिंदू धर्म एक संस्कृति जो आपसी सद्भाव भाईचारे में विश्वास रखता है, लेकिन पिछले काफी समय से देश में एक सांप्रदायिक माहौल, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो है प्रयास चल रहा है। उस प्रयास को देश की जनता ने पसंद नहीं किया और 400 पार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सरकार चलाने के लिए अपने जो गठबंधन के सदस्य उन पर निर्भर। और ये हताशा आप प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे साफ तौर पे देख सकते हैं। उस सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया, ये भी गलत है क्योंकि मैंने स्वयं पूरा भाषण देखा, कार्रवाई मैंने सुनी। जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी टिप्पणियां भी बड़ी आपत्तिजनक रही हैं। अनुराग ठाकुर जी का मैंने सुना, बड़ी आपत्तिजनक थी। लेकिन सदन की कार्रवाई से राहुल जी के भाषण को के अंश, कुछ अंश उनको निकालना अपने आप में एक अलोकतांत्रिक कदम। कांग्रेस पार्टी देश की एकता, अखंडता,
धर्म निरपेक्ष में विश्वास रखती है। इन्हीं सिद्धांतों के साथ हमने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इन्हीं सिद्धांतों के साथ जब जब भी हमारी सरकारें रहीं, हमने देश को आगे ले गया, देश ने तरक्की की। और मुझे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका देश की जनता देखने वाली, और जो पिछले 10 वर्षों में जो मनमर्जी चली रही, जो तानाशाही चली रही, आज प्रतिपक्ष की तरफ से मजबूत जवाब जो है सरकार को मिलने वाला है। और हमें विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने जिस परिपक्वता के साथ मुद्दों को रखा है, और आने वाले समय में देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अहम मुद्दे, इन पे वो मजबूती से अपना पक्ष जो है लोकसभा में रखेंगे। हैरान रह गया, आपकी जो परीक्षा प्रणाली है उसे आज देश की जनता का विश्वास उठता नजर आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन मुद्दों को विपक्ष बड़ी मजबूत ढंग से रखेगा। और अगर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की आवाज़ में दम होना चाहिए। और राहुल गांधी जी एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मुझे भी काफ़ी बागवानों के फोन आए। एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया, जो बहुत बरसों से किसानों और बागवानों की मांग थी, यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में आना चाहिए, और इस वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में आ रहा है। लेकिन कुछ हमारे जो बागवान हैं, किसान हैं, उनके पास स्टॉक पड़ा, तो मेरी आज ही बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी से बात हुई। मैंने उनके समुख इस मांग को रखा कि जो पेंडिंग स्टॉक है, इस बारे सरकार इजाज़त दे कि वो जो पुरानी पेटियां घरों में पड़ी हैं, इजाज़त मिले कि किसान बागवान अपना सेब मार्केट में भेज सकते हैं, लेकिन जो सीलिंग है वो 20 किलो की सख्ती से रहनी चाहिए। और ये छूट जो है केवल इस वर्ष के लिए होनी चाहिए। और जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को यूनिवर्सल कार्टन के अलावा दूसरे कार्टन को बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मार्केट में बेचने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पेंडिंग स्टॉक है उसको लेकर मेरी बात हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक निर्णय जो है किसानों और बागवानों के हक में लेगी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी मेरी HPMC के अधिकारियों से बात हुई, अगले एक हफ्ते के अंदर जो है यूनिवर्सल कार्टन जो है उपलब्ध होगा, और थोड़ा संशय रेट्स को लेके भी था, तो वो भी जो लिस्ट है वो सरकार ने जारी कर दी, जो रेट्स हैं वो भी जारी कर दिए, और जो है जस्ट जारी हो चुकी है, और इसमें 7 तरह की अलग श्रेणियां हैं, और जिसके अलग अलग रेट हैं, और बड़े वाजिब रेट हैं, और ये जो रेट हैं ये 3 तारीख से एप्लीकेबल है, और जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर मार्केट में यूनिवर्सल कार्टन जो है उपलब्ध होगा, और सभी सेंटरों पे जो है ये कार्टन जो है किसानों और बागवानों को मिलेगा। और एक मांग में आपके जरिए सरकार से भी, मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है
क्योंकि पिछले वर्ष का अनुभव हमारे सामने, क्योंकि जिस तरह से मौसम की लगातार जो है प्रतिकूलता बनी है, ये साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी और पिछले वर्ष बरसात बहुत ज़्यादा थी। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पिछले वर्ष की तरह बरसात ना हो, लेकिन अधिकारियों को मैंने अपने क्षेत्र में भी निर्देश दिए हैं, जो भी PWD के आला अधिकारी हैं उनको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि तमाम जो सड़कें हैं वो खुली रहें। और कई जगह पे मेरे ध्यान में बातें आई हैं कि कलवट बंद है, क्योंकि अगर इस तरह बंद रहे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैंने अपने क्षेत्र में तो अधिकारियों को निर्देश दिए कि तमाम कलवट अगर बंद है उन्हें तुरंत खोला जाए, और किसी भी आपद स्थिति से निपटने के लिए PWD विभाग तैयार रहे। और क्योंकि जब सेब सीजन यौवन पे होगा तो बरसात भी यौवन पे होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष भी इतनी आपदा आई, सड़कें बंद थी, फिर भी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारी एक सेब की एक एक पेटी जो है मार्केट तक पहुँचे। और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अधिकारी जो है इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सड़क बंद नहीं रहेगी और किसानों और बागवानों का सेब जो है वो मार्केट तक पहुँचेगा। और नालागढ़ में मैंने जनसभा को भी संबोधित किया और पत्रकार वार्ता भी की, और तीनों जगह पे कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में, और मुझे लगता है कि हम तीनों जगह पे जो है ये उपचुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि ये उपचुनाव अनावश्यक रूप से जनता पे थोपे गए और इसलिए प्रदेश की जनता ने इसे पसंद नहीं किया। और आपने देखा होगा कि जो 6 उपचुनाव हुए उसमें भी 4 जगह पे कांग्रेस पार्टी जो है जीत के आई है, और मुझे उम्मीद है कि इन 3 उपचुनावों में भी कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है बेहतर स्थिति है। सवाल भी बड़ा वाजिब है, क्योंकि स्टोर पे कोल्ड स्टोर में सेब रखने का एक ही उद्देश्य होता है कि ऑफ सीजन में उस सेब को जो है निकालें और मार्केट में बेचें ताकि किसानों और बागवानों को अच्छे दाम मिले। लेकिन पिछले वर्ष का अनुभव हमारा बहुत बुरा रहा, जिस तरह से विदेशों से जो अवैध रूप से सेब भारतवर्ष में आया, और ख़ासकर अफगानिस्तान के रास्ते ईरान और तुर्की का सेब जो है देश में आया, उससे हमारे दाम बहुत ज़्यादा गिर गए। और जो कोल्ड स्टोर में सेब रखा था वो औने पौने दामों में जो है बिका, और हमने पिछले वर्ष भी सरकार से मांग की थी, इस वर्ष भी हम सरकार केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि अवैध रूप से जो सेब विदेशों से आ रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इस मामले को हमने बार बार उठाया। और पिछले विधानसभा सत्र में मैंने बड़ी प्रमुखता से इस मामले को विधानसभा में उठाया था, तो कुछ दिन के लिए तो जो विदेशों से सेब आ रहा है उस पर अंकुश लगा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसानों और बागवानों की बहुत पहले से मांग थी कि आयात शुल्क जो है 100% होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पिछले वर्ष जो है 50% से घटा के 30% कर दिया गया, जिस कारण भी बाहर से बहुत ज़्यादा सेब आया और हमारे बागवानों को जो है सेब के उचित दाम नहीं मिल पाए। तो ये मांग भी हमारी केंद्र सरकार से रहेगी कि आयात शुल्क बढ़े और जो सेब अवैध रूप से विदेशों से यहाँ आ रहा है उस पर अंकुश लगे।